ये लिखा है मो प्रिय बेलगुंठा आ बेलगुंठार सिंबल पीतल माछ लिखा आस गो सब कॉस्ट कॉस्ट 3,300-4,000 भारत हो कि आपण कोई पर ऑल वर्ल्ड रे एई गुट्टी जगह अछि ओडिसा रा बेलगुंठा जोटा कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आछि जोटी कि वर्तमान भी कारीगर मान अछंती पीतल माछ तैयारी होछि आपण हाथ न धरला पंत विश्वास कर परबेनि से माछडा को एक्चुअली केपती देखा जाउछि केते हल्का केते मूवमेंट करछि बहुत बढ़िया हेलो भंजनगर तो इस साइड गोटे सेल्फी पॉइंट अच्छे तुम वर्तमान भंजनगर रू बाहर जीवु बेलगुंठा आड़ को सेटा भी से गंजाम डिस्ट्रिक्ट हि आस फ्रंट आम रईड को जीवु एट भुवनेश्वर अच्छी 170 किलोमीटर नयागढ़ अच्छे 82 किलोमीटर सामने देखते रास्ता के सुंदर देखा दुई साइड रे बढ़िया गच लगे पटे सामने अच्छे बड़ नदी तो गोटे कथा आपण मैंने जदि जाए भंजनगर पार्क जोटा को कहे विजु पटनायक पार्क वीडियो देखी ना तो वीडियो देखने पे मो लिंक को डिस्क्रिप्शन ले दे रखी दही बरा हमें देख चुका हूं लंका इसमें डाल दे जबरदस्त है टेस्ट नहीं बड़ा नहीं टेस्ट दही बड़ा पूरा जबरदस्त था एत बढ़िया लगुच तथा काड़ी कौन टे अधिक पकड़ा तो फाइनाल आसिक आम पहुँचलु बेलगुंठार लिखा है मो प्रिय बेलगुंठा आ बेलगुंठार सिंबल पीतल माछ बहुत बढ़िया से सिंबलाइज कराई तो बर्तमान मुझे बेलगुंठार पेंठ साही पाखे तो पेंठ साइड या पृथ्वी प्रसिद्ध पीतल माछ तो बेलगुंठा ये जो जगह अच्छे यहाँ से भंजनगर रू से पाखापाखि 8-10 किलोमीटर भितर आस तो मुझे जमी कह पेंठ साही पाखे पहुँची सारी से ही बेलगुंठा मार्केट रू मात्र 1.5-2 किलोमीटर डिस्टान्स अच्छे पेंठ साही तो मुझे जाऊँ ये पेंठ साही भितर को जड़े कारीगर को भेटबी देखी से सब कम करते दिन लगुच केत कस्ट अच्छी मुझे पीतल माछ ओनली शुणी 1.5-2 वर्ष ते आसबि आसबि बोली भावुली फाइनाली आसिकी पहुँची से तो चलो तो देखा केमती अच्छी पीतल माछ यहाँ अच्छी बेलगुंठा और मार्केट यहाँ कौ साई भाई पेंठ साई तो इस सैड्रे जो पृथ्वी प्रसिद्ध पीतल माछ अच्छी तार किसी दुकान भी अच्छी कारीगर मैंने अच्छा आ मुझे जो भाई नहीं कि आसल पड़े एमती अच्छी टोटाली पेंठ साही एटी भी लिखा है पृथ्वी प्रसिद्ध पीतल रूपा चिंगुड़ी रोही सेवड़ माछ बिक्री कले सो पाई ना कि मुव कले बिका लेखे आस गो सब कॉस्ट कॉस्ट 3,300-4,000 पूरा मूव कर बहुत हल्का अच्छे हल्का थिला से मूवमेंट बोला ना हां एडा कोन वेट सु सेटिंग करे छ ना ओहो तळे बडी जे ने छ बढ़िया से टोटल सब बोर्ड को मा सही भला एम तो ऊपर उठा ना हां सेंट तो बर्तमान ये सारा एटी मूर्ति अच्छे सब बनाई रेडी अच्छी के सुंदर अच्छी सब कितना वेट बहुत अधिक 3.5-4 किलो लेखाए मूर्ति सब अच्छे छोट छोट मूर्ति अच्छे कि बहुत वेट जेहतु पीतल बनाए सब ओके छोट एक्वेरियम सब सेट है एटा से कते कोचन भाई प्राइस 1650 टका सडी छोटो अछि बता ये छोटो अछि 1350 टका ओके
जो मैंने किणुंच से लोक मैंने कमीगले खास कर अर्डर होने से ही बनाऊँच सब प्रायत अर्डर अच्छी सब जिन पलिश हम पलिश है पलिश हेल्ले ये जमी माइनिंग कर सैनिंग पल आस गोटे बहुत बड़ माछ अच्छे एटा अर्डर हो बनाई एटा फिनिशिंग आउट हम ना फिनिशिंग हम सफा जस्ट हां सफा के एमती पॉलिश हो गेल एमती पॉलिश हो गेल चिक चिक मार दे मूसा नमस्कार नमस्कार आ मूसा अपन परिचय दे देबे मना हो जी ऋषिकेश महाराणा ऋषिकेश महाराणा एटा महाराणा साई ना को नहीं ना पेंटो साई पेंटो साई एठी आपण जो बनौचंती पितळ माछ किछि कारीगर अछिन देव ना को हां ए थिले 4 5 वर थिले चौकी कोड पळे लेने आज्ञा आज्ञा आ ओ गांव रे बे बर्तन 2 3 घर आगे काम करछन 2 3 घर मात्र बे काम करछन ऑर्डर पाइले करछन न वाले भी नहीं मुस आपण केते बडो माछ बनैछंती हाईएस्ट लंबा 4 फुट 4 फुट रे बनैछंती से बाहर को जाइस ना कोन ना ओडिसा रे अछि आंध्र गवर्नमेंट नै दिला आंध्र गवर्नमेंट एठी माछ छोड़ आपण कोन से बनौछंती जो जिन अर्डर करे से जिन करा हो मंदिर जिन प्राय अधिकांश हो सब मूर्ति हो ना सब मूर्ति हो सब मूर्ति पीतल रे हो पीतल रहउ छी हाथ गोड़ पीतल रहउ छी पतला रो आज्ञा आज्ञा आपण जो प्राइस माने कॉस्टिंग करछन वेट हिसाब रे काम मजदूरी हिसाब रे ना केन को से हिसाब रे करछन केते कोन मजदूरी लागु छी तथापि गोटे थोर धरम से बडो माछ 24 25 इंच रो अछि केते दिन लागिवो बनाय पे आपण को 5 6 दिन घर लागि जणा ना दुई जणा को जणा जणा को आज्ञा गोटे लोक 10 इंच या माछ गोटे करिवो ताको दिन रे लागिवो के दिन दिन रे लागिवो किन बिक्री हे पारिवो नि 10 इंच रो माछ 10 इंच गोटे दिन लगे बिक्री करी हाँ बासी दिन सफा कर बिका हाँ तेणु देढ़ दिन ओके दस इंच मिनिमम दुई दिन लगे ना फिनिशिंग सरकारी प्रशासन किसी मिलूँ सरकारी प्रशासन ट्रेनिंग स्कूल खंडे कर ये ट्रेनिंग स्कूल ला उठ मास रे बर्ष कि 4 वर्ष चल छ तापर बंद हो जाउ छी आज्ञा किंतु पिल्ला के बाहर हो ने आज 40 वर्ष होला सेमति कि कारीगर 40 वर्ष होला ने ट्रेनिंग दिया हो छी किंतु पिल्ला बाहर न आते ये इन जगह ओली को वृत्ति ऊपर करू छन जी हां हां से माने पैसा खर्च करू छन से पैसा ला जी माछ ऑर्डर करन दे आज्ञा बोले तैयारी होन त सिखन दे कारीगर पिल्ला सिखन दे प्लस अन्य माने भी सिखन आने बाहर से एटा एमती है कि हमरो जो परंपरा रही छी हमरो प्राय रहइबो आ गुटे पीढ़ी पटन ता पर पिला ने पजाउ संघ से माने बने बे काई कि बोले अरे अपन नाटा कोन कहले मना बलक मार मारणा अपन सिखले ने काम हां सिखले भल लागो काम करिया हां भल लागो काम ना अपन तो बहुत यंग अछंती अपन कोन चाहु छी एटा केमती कोन डेवलप करबा के प्रवृत्ति बनते रखे हम चाहु छु आज्ञा चाहु छु ए काम आ चार पांच पीढ़ी जे जीवो सेति पे ऑर्डर दरकार ना ऑर्डर दरकार नहले गोराख दरकार जा कोन हाले काम बंद हो आस्ते आस्ते बंद हो पड़ी बर सब बंद हो जो आज्ञा आज्ञा ए सब निजे आपण बने पड़छन हां बने ए गुडा बहुत बड़ो माछ अछि एटा ऑर्डर हे कि बनाई छि एटा को फिनिशिंग आउट हो ना फिनिशिंग हो सफा जस्ट हां सफाई के एमिति पॉलिश हे गेल एमिति चिक चिक मार दे तो ठीक अछि मोसा आमे रहलु धन भल लागला देखले सब दिनस काढ़ी के होप कि लोक माने देखिबे देखले ऑर्डर करबे किछि तम तो आसलु माछ देखापे कि माछ सहित ये बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मूर्ति अच्छी सुंदर सुंदर मूर्ति अच्छे सब पीतल तो जाए जमी मऊसा गोटे कथा कहते जो गवर्नमेंट रोत्साहन मिलूँ से ट्रेनिंग दौरान पिला मानू कि कथा कौन ना से जहाँ कहे प्राक्टिकाली तार किसी इंपैक्ट पड़ूनी प्राक्टिकाली कहीं सेमती भल कारीगर बाहर ना जदि कौन हाँ जदि ये कारीगर मैंने अच्छा से कि गवर्नमेंट तरफ डायरेक्ट किसी अर्डर दि जाता तो से करते से अन्य पिला निजुक्ति दिखते से प्राक्टिकाली जिनस शिखते से ताद्वारा कौन हाँ ये जो जीविकाटा से बचे रखी से दु तीन टा पीढ़ी आगे जाता से गोटे मोसा बड़ कनसर्न एक्चुअली प्राक्टिकाल कथ ही सहीटा सी देखु आस 40 वर्ष है गवर्नमेंट बहुत प्रकार ट्रेनिंग अन्य प्रकार स्कीम करार किसी सेम लाभ मिलूनी सीटा गोटे कथा मोसा कहते बारंबार तो मुझे तो दे मूसा ना देदेगी आड्रेस दे दीची फोन नंबर दे दीची जहाँ भी दरकार जो मानकर भी पीतल मूर्ति प्रति कि जानवर अच्छी किंबा अर्डर किसी नबार अच्छे तो निहाती आप कंट्राक्ट करूँ जदि आप चाहिए तो से सीधा कोरियर भी करें
ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ବନାହେଉଛି ଏଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ହିଁ ବନାହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିବ, ଯଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ବି ସେମାନେ ଆରାମସେ କୋରିଅର୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆସିକି ଜାଗାଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କଲି ମୂଷାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିତ୍ତଳ ମାଛ, ରୋହି ମାଛ, ଏମିତି ଲେଖା ଶେଉଳ ମାଛ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଟୋଟାଲ ଭାରତ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାରିଗରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିତ୍ତଳ ମାଛ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ହାତରେ ନ ଧରିଲା ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ସେ ମାଛଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ହାଲକା, କେତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବେ ମୁଁ GPS ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାର, ଏଇଟା ଅଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି GPS ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ GPS ଲିଙ୍କ ମାରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଯେଉଁ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ବି ସେ ପିତ୍ତଳ ମାଛ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବନାହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ମାଛ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବନାହେଇଛି, ପିତ୍ତଳ ମାଛ ଡିଜାଇନ୍ରେ।